बाराबंकी में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के सामने ही बिजली गुल हो गई। ऊर्जा मंत्री ने जिले की विद्युत व्यवस्था का जायजा लेने औचक निरीक्षण किया। बड़े उपकेंद्र पर निरीक्षण के दौरान बिजली गुल हो गई। मंत्री काफी देर तक मोबाइल की रोशनी में उपकेंद्र का निरीक्षण करते रहे। बिजली गुल होने पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। बाद में मंत्री ने अधिकारियों को जिले में रोस्टर के हिसाब से विद्युत सप्लाई के निर्देश दिए। आपको बता दें बाराबंकी में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के सामने ही बिजली गुल। ऊर्जा मंत्री ने जिले की विद्युत व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बड़ेल उपकेंद्र पर निरीक्षण के दौरान बिजली गुल रही। काफी देर तक मोबाइल की रोशनी में उपकेंद्र का निरीक्षण करते रहे ऊर्जा मंत्री। बिजली गुल होने पर उन्होंने अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाई है। तो केंद्र का औचक निरीक्षण किया, बिजली गुल रही, ऊर्जा मंत्री के डिपार्टमेंट में जहाँ वो मौजूद थे वहां से ऊर्जा गायब रही। हितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। हितेश, जाहिर सी बात है जब ऊर्जा मंत्री पहुंचे या कोई भी बड़ा अधिकारी या बड़ा मिनिस्टर पहुंचता है तो व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन जब ऊर्जा मंत्री पहुंचे और ऊर्जा ही ना हो उस जगह पर तो भला कैसे काम चलेगा? अब हकीकत सामने आ रही है ऊर्जा मंत्री के। बिल्कुल सही बात कह रही है पारुल जी। एक्चुअली यहाँ पर जो हुआ, यहाँ पर बाराबंकी में ऊर्जा मंत्री रात में अचानक निरीक्षण करने और विद्युत विभाग की व्यवस्थाओं की निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन उस समय ही उनके ठीक सामने ही विद्युत व्यवस्थाओं की पोल खुल गई और कुछ ऐसा नजारा सामने आया जो सामने वीडियो आए उसमें देखने से साफ तौर पर ये मालूम पड़ रहा है कि उनको खुद अंधेरे में बैठकर टार्च की मोबाइल की रोशनी में काम करना पड़ा, जिसके बाद वो काफी ज्यादा नाराज दिखे। उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता का दर्द था, जिस दर्द की शिकायत अगर बात करें तो बाराबंकी से ही ट्विटर के माध्यम से तमाम लोग ऊर्जा मंत्री को टैग करते हुए लगातार शिकायत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री के सामने वही स्थिति सामने आ गई जो यहाँ की जनता फेस कर रही थी। जी पारुल जी, बिल्कुल। सवाल यह है कि अब ऊर्जा मंत्री के निरीक्षण के बाद भी हालात दुरुस्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर तब भी बदलाव नहीं होता है तो ऊर्जा मंत्री या फिर किसी भी मिनिस्टर को डिपार्टमेंट में किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनके सामने ही जब अधिकारियों की पोल खुल जाए, कोई कार्रवाई बड़ी ना हो, स्थितियां दुरुस्त ना हो, तो ऐसे दौरों का, ऐसे निरीक्षणों का मतलब ही नहीं निकलता फिर। बिल्कुल, यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि लगातार अगर देखा जाए तो विपक्ष जैसे समाजवादी पार्टी से काफी ज्यादा सक्रिय है और वो हर मामले पर, किसी भी प्रकार के मामले पर बीजेपी को घेरने से नहीं छोड़ रही। चाहे वो बृजेश पाठक अगर किसी अस्पताल का निरीक्षण करते हैं और वहां से खामियां निकल कर आती हैं, तो सपा के ऑफिशियल पेज से लगातार इस पर बात की जाती है। और ठीक अगर बाराबंकी की बात करें तो जैसे ही बाराबंकी का ये माजरा सामने आया है, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है। उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरह से अगर लग रहा है, अगर मंत्री जी को ये सब बातें सामने आती हैं तो निश्चित ही मंत्री जी और उनके विभाग के जो भी उच्च अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं उनको अपनी स्थिति में, परिस्थिति में और कार्यशैली में सुधार लाना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में बीजेपी के लिए घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। जी पारुल जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीतीश जानकारी के लिए।